हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाने के बाद मैं बात करूंगा कि हम नया पेज इंडिजाइन में कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जैसा कि हमें इंडिजाइन खोलना पड़ेगा, तो हम इंडिजाइन पर क्लिक करेंगे, जो कि हम आपने ये भी देख लिया होगा कि हम इसको अपने सिस्टम में इंडिजाइन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर नहीं देखा हो तो आप मेरी लिस्ट की जो वीडियो लिस्ट है, आप वहाँ से उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इंडिजाइन खुल गया। अब इंडिजाइन खुलता है तो इंडिजाइन खुलने के साथ ही सबसे पहला जो डिस्प्ले होता है हमारा अबाउट इंडिजाइन पेज का होता है, जिसमें हमने यहाँ पे आपको रिसेंट आइटम शो करता है कि हमने किस पे अपने इंडिजाइन से कितने डॉक्यूमेंट्स पहले खोल चुके हैं या सेव कर चुके हैं, और या फिर एक ओपन लिस्ट होती है जो हमें ब्राउज करेगी हमारे सेव डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें खोलने की। लेकिन चूँकि अभी हम सेव डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने नया पेज नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो अगर अभी विंडो खुल रही है तो हम आपने पहले बोल चुका हूँ कि उसको इस विंडो को बाय डिफ़ॉल्ट खुलती है। हम इसको अगर यहाँ क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम ये विंडो यहाँ नहीं खुलेगी, लेकिन हम इसको रखते हैं कि लिस्ट वो हमें काम करने में काफ़ी ईजी होता है। अब दूसरा मेथड जो खोलने का है, हम यहाँ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो अपने आप हमारे पास जो मेनू होता है वो डिस्प्ले होगा, नया पॉपअप मेनू। इसमें एक डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स को जो इसमें डॉक्यूमेंट प्रीसेट होते क्या हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें प्रीसेट्स में डॉक्यूमेंट के प्रीसेट्स ही नहीं होते, इसमें पैराग्राफ के स्टाइल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट स्टाइल्स होते हैं। मतलब हम जो चीज़ एक बार सेट कर देंगे इनडिजाइन उस चीज़ को भूलता नहीं है। हम इस डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स पे हम जो भी चीज़ एक बार डाल देंगे उसको हम इस नया यहाँ पर कस्टम लिख करके यहाँ पर कर देंगे जो भी होगा, और इसको सेव कर देंगे तो जो हमारे स्टाइल में सेटिंग्स सेव की होती हैं वो सारी सेटिंग्स ये इंडिजाइन स्टोर रख लेगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट चलता है तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये चलती है। इसको हम कैसे नया बनाएंगे और कैसे सेव करेंगे हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद ही बात कर दूंगा मैं, इसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। अब हम यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट के एक ऑप्शन यहाँ से खोल सकते हैं। दूसरा है कि हम फाइल मेन्यू में जाएँ और न्यू डॉक्यूमेंट करें, आप देख रहे हैं वहाँ से भी सेम मेन्यू खुलेगा। और तीसरा ऑप्शन है हम यूज करें शॉर्टकट की का, शॉर्टकट के फॉर विंडोज़ के लिए कंट्रोल प्लस एन। जैसे मैं अपने सिस्टम पर कंट्रोल दबा रहा हूँ, एन दबा रहा हूँ, आपको इसके दिख नहीं रहा होगा, बट आई एम प्रेसिंग द की कंट्रोल एंड एन। आप यहाँ देखें सेम कमांड खुल गई है, क्योंकि मैं विंडोज़ वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कंट्रोल प्लस एन यूज़ करना है। फॉर अगर जिन दोस्तों के पास कोई अगर मैक यूज़ कर रहा हो तो उनके लिए कमांड प्लस एन ऑप्शन होता है, तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें शॉर्टकट कीज़ तो हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब कोई इंडिजाइन या कोई भी सॉफ्टवेयर नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हों तो हम सीधे सीधे जो उसके लॉन्ग वे से होते हैं, हम फाइल मेनू में जाकर कौन सी चीज़ कहाँ होती है, क्योंकि शॉर्टकट हमें वहीं मिल जाते हैं, सारे शॉर्टकट्स क्या होते हैं यहाँ साफ लिखा होता है। तो हमें ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि वो मेनू के अंदर वो हमें चीज़ कहाँ मिलेगी। कई बार हम लोग क्या जब नए नए सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो चीज़ कहाँ अवेलेबल है, किस मेनू में अवेलेबल है, इस पर फोकस नहीं करते, बस सोचते हैं शॉर्टकट किस पता लग गए और हम सब कुछ जान गए। तो ये तरीका हमेशा गलत होता है। हमें सबसे पहले कि सिस्टम के अंदर किस मेनू में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और उससे क्या होता है, हमें ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एन की आपको यहाँ शो कर रहा है। अगर आप मैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपका कमांड प्लस यहाँ शो करेगा, तो शॉर्टकट कीज़ पता करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। और एक चीज़ और कि हम शॉर्टकट कीज़ कभी भी अपने इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, तो यू नो नीड टू वरी कि हम एक बार शॉर्टकट कीज़ बन गई तो हम इसको अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो ये भी हम अपने आप बाद में बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, अगले वीडियो मतलब काफ़ी दिनों बाद में। कोई एडवांस चीज़ें हैं कि जो अगर काम करना कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें बदलने की, बट वो भी बताऊंगा कि हम अपने सिस्टम में इंडिजाइन के अंदर कमांड्स को कैसे बदल सकते हैं। तो आपने यहाँ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट किया, और ये भी चीज़ सर दोस्तों कि हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका फाइल मेनू के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका सब में सेम है, चाहे आप वर्ड ले लो, इलस्ट्रेटर ले लो, फोटोशॉप ले लो, कोरल ड्रॉ ले लो, एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ द कंट्रोल प्लस एन की और फाइल में जा करके न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू जो भी आपका टेम्पलेट हो सब कुछ होती है, उसका ऑप्शन सबका सेम है। तो इसमें आपको नया चीज़ मैं नहीं बता रहा कि मैं फाइल नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, बट नया डॉक्यूमेंट मतलब जो नया पॉपअप मेनू आया इसमें
चेंज करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ होता है, इसमें हमें क्या चेंज करना है, हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस क्या होने चाहिए। तो पहली चीज़ दोस्तों कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं बुक्स की, तो बुक्स के जो डॉक्यूमेंट्स पेजेस होते हैं वो वैसा मल्टीपल्स ऑफ 4 होते हैं या मल्टीपल्स ऑफ 8 होते हैं, क्योंकि वो जो प्रिंटिंग होती है तो 4 फोल्ड्स होते हैं, तो उस प्रिंटिंग के पर्पज़ के लिए हमें किताब के जो बनती है वो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 4 में ही जाती है। तो ये दोस्तों ये आप बिल्कुल फोकस भी इसी रही है कि कोई भी किताब हम मल्टीपल्स ऑफ 3 में या 1, 3, 5, 7, 9 से कोई किताब एंड नहीं कर सकते, उस डॉक्यूमेंट को मल्टीपल बाई 4 से होना ही चाहिए, अनलेस की किताब बहुत बड़ी है A3 साइज में या इससे बड़ी किताब बन रही है जिसमें जो किसी 2 फोल्ड में किताब फोल्ड हो जा रही है, तो वह उसमें आप मल्टीपल्स ऑफ 2 कर सकते हैं। तो हम यहाँ जैसे जब कोई हम बुकलेट्स बनाते हैं तो जनरली 16 पेज कम से कम रखते ही हैं, 16 पेज से कम बुकलेट का मतलब नहीं होता। हम यहाँ पे 16 पेज रख रहे हैं, स्टार्टिंग पेज नंबर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, इसमें कुछ कोई करने की जरूरत नहीं है। और फेसिंग पेजेस आप किताब खोलते हैं, आप जैसे किताब पहला पेज पलटते हैं तो आपका जो फ्रंट होता है, जो मैं किताब खोलते हैं तो फ्रंट होता है कि कवर जिसे कहते हैं, उस कवर को हम वो ऑलवेज सिंगल पेज खुलता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही पेज पलटते हैं तो 2 पेज हमें दिखते हैं, एक जो हमारा इनर कवर उसे बोलते हैं और एक जो हमारा कॉपीराइट पेज और जो हमारा क्या वो उसे बोलते हैं इनर टाइटल और बैक कवर, वो सामने आमने सामने जाते हैं। ये जो दो सेगमेंट हमें 2 पेज दिखते हैं इन्हें कहा जाता है फेसिंग पेजेस। तो हमें फेसिंग पेज रखने हैं या नहीं रखने हैं चॉइस हमारी होती है, बट जनरली जब भी हम बुक डिज़ाइन करते हैं तो हम फेसिंग पेजेस रखते हैं, अनलेस कि हम कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हों या कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हों जो सिर्फ एक पेज का है। अगर सिर्फ एक पेज का है तो हमें नंबर ऑफ पेज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फेसिंग पेज जैसे अब आप BM बाद में ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑन ऑफ करते हैं। आपने यहाँ पर 16 पेज रख लिए, पेज साइज अगर हम अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो A4 तो जल्दी हम यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन जो जनरली बुक्स छपती हैं प्रेस में ऑफसेट प्रिंटिंग पेज छपती हैं तो वो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो होती हैं वो लेटर साइज़ की होती हैं, मतलब 8.5x11 के अंदर चलती हैं जो कि इंटरनेशनल साइज़ है। और अब MM और BA मैं आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जब मैंने इंट्रो दिया था कि हम यहाँ पर साइज ऐसे हमें चेंज करना होता है, तो हमें अगर अपना साइज़ पता है तो हम वहाँ साइज़ भी लिख सकते हैं ये अपने आप, लेकिन इसके आगे हमें वैल्यूज़ लिखने बहुत ज़रूरी है कि इंचेज़ में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, पिक्सल्स में है या पिकास में है या पॉइंट्स में है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो हमें बाय क्लाइंट दी जाती हैं या हमें पता होती हैं या मुझे जानते हैं। और हर वैल्यू का अपने एक अलग अलग सेगमेंट होता है कि MM जैसे जानते हैं कि 100 MM बराबर है 1 सेंटीमीटर और जो चलता है 10 सेंटीमीटर बराबर है, जो भी वैल्यू चलती हैं ये इसमें इतना डिटेल नहीं जानी चाहिए, नहीं जाऊँगा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर अगर वैल्यूज़ लिखते हैं तो इंडिया उस चीज़ को ये अपने आप अपनी वैल्यू समझ लेता है कि वो क्या है, वो इससे बटर नहीं करता कि यहाँ पे इसका सिस्टम पे क्या दिख रहा है। हम आगे इंच लिख देंगे, इसको मैंने यहाँ M कर दिया, आप देखिए इसका क्या हाल होता है, मतलब मीटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी इतनी लंबी लेंथ हो जा रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। बोलो ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आ गए हमें, और ये होती है हमारी ओरिएंटेशन कि हम जो पेज खुल रहा है, जो फेसिंग पेज देखेंगे वो लैंडस्केप में होगा या पोर्ट्रेट में होगा। हम इसको ऐसे जो चेंज करेंगे तो ये अपने आप वैल्यू फ्लिप हो जाएंगी, यहाँ पेज करेंगे तो अपने वैल्यू फ्लिप होती है, ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर हमने उस पर कितना किस साइज में हमें रखना है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, आप पढ़ते भी होंगे, जाहिर सी बात है आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि उसके अंदर जो न्यूज़पेपर के हिसाब से 4-5 कॉलम्स की एक एक ग्रिड्स होती हैं, आप भी पेपर देखते हैं, तो ये वही चीज़ है कॉलम्स की। हम एक डॉक्यूमेंट में अपने A4 साइज में कितने कॉलम्स चाहते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट फ्रेम हो उस कॉलम्स के अंदर डिवाइड होकर अपने आप आएँ, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक होता है। मैं इसको बाद में चेंज करूँगा, हम वो भी दिखाएंगे। मार्जिन्स, टॉप मार्जिन्स और इनसाइड मार्जिन्स, बॉटम मार्जिन्स और आउटसाइड मार्जिन। दोस्तों हम ये क्या होता है, लेट मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। हमने इसको पेज डॉक्यूमेंट किया, ओके आप देखा आपने ये पेज खुल गया। अब देखिए ये वो पेज है जो अभी हमने खोला, और ये देखिए ये आप जो अंदर का हिस्सा देख रहे हैं यही मार्जिन्स है। आपने देखा हिस्सा, जो ये मार्जिन हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा तो हमारा है प्रिंट एरिया, और जो ये हिस्सा है ये हिस्सा मार्जिन है। इस हिस्से को जो ये हिस्सा हमारा है ये मार्जिन है, ये वो हिस्सा है जहां हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा है।
जनरली हम इस हिस्से में बहुत ही रेयरली कोई टेक्स्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब हम चाहते हैं कि हमारी किताब नीट दिखे, तो हम किताब के कुछ हिस्से को बॉर्डर में जाकर छोड़ते हैं कि यहाँ से वहाँ किताब कट गई है अगर, तो इतना हिस्सा जो हमारा रहे वो नीट दिखाई दे। जनरली ये 35 पॉइंट से लेकर के 55 पॉइंट तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने उसको बुक के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर छोटे बच्चों की किताब है तो हम चाहते हैं कि वाइट कुछ ज़्यादा दिखे बच्चों को, कुछ मार्जिन मिले। बड़े बच्चों की किताब है, बड़े लेवल की किताब है, तो हम मार्जिन कम भी रख देते हैं। डिपेंड करता है कि बड़े लेवल के टेक्स्ट में टेक्स्ट ज़्यादा होता है, छोटे लेवल की किताब में टेक्स्ट कम होता है। और ये देखा पॉइंट्स में अगर हम बात करते हैं, तो पॉइंट्स हमारा 36 पॉइंट का है। बाई डिफॉल्ट 36 पॉइंट का काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 36 पॉइंट का हम पेज का रखते हैं। मैंने बताया आपको 35 से लेकर 55 पॉइंट हम जा सकते हैं इसके अंदर लेकर के। अगर हम 55 पॉइंट करते हैं, तो 55 पॉइंट जब हम यूज़ करते हैं, जब हमारी क्या बोलते हैं पिक्चर बुक होती है, ये 55 पॉइंट है। तो 55 पॉइंट में जब पिक्चर यूज़ करते हैं, जब इस हिस्से में हमारे जो होते हैं ग्राउंड से बैकग्राउंड बढ़ाते हैं कलरिंग करते समय, तो वो सारा हिस्सा यहाँ यूज़ करते हैं इस हिस्से के बाहर। इसे कम ज़्यादा कैसे करते हैं, जैसे कि आपको दिखा डॉक्यूमेंट, अब आप न्यू डॉक्यूमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब डॉक्यूमेंट करने के बाद आप न्यू डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा कर देना अकाउंट खुल जाएगा। तो अब क्या करना है, अब करना क्या है, हमें जाना है डॉक्यूमेंट सेटअप में। ये चीज़ ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट सेटअप, डॉक्यूमेंट सेटअप का कमांड आप देख रहे हैं Alt Control प्लस पी। शॉर्टकट कीज़ पे अभी फोकस ना करें, स्टार्टिंग है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप अभी शॉर्टकट कीज़ पे, आप इसको ध्यान में रखें कि हमें शॉर्टकट कीज मिलती हैं, लेकिन हम आप इस पे अभी फोकस ना करें, क्योंकि अभी फोकस करेंगे तो आप भूल जाएंगे वो कमांड थी कहाँ पे। आप कमांड के थ्रू जाएं, प्रॉपर लॉन्ग चैनल के थ्रू जाएं, अच्छा रहेगा सीखने के पर्पज से। आपने इस पे कंट्रोल पे किया, देखिए आपका पूरा वही मेनू दोबारा आ गया जो जहाँ पर हम पहले थे। आप देख पा रहे होंगे इसको कि हम वहीं पर आ गए जहाँ हम पहले थे, लेकिन सॉरी इसमें आपका मार्जिन्स वाला कॉलम सेक्शन नहीं आया जो कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट में देखा था। तो वो सॉरी वो यहाँ से नहीं आएगा, मार्जिन वाला जो कॉलम था वो यहाँ नहीं आया, वो यहाँ से नहीं आएगा, वो आएगा आपका लेआउट में से मार्जिन्स एंड कॉलम्स। आप यहाँ दोबारा जाएंगे, ये देखिए 36 पीटी का। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आप क्यों खोला, मैंने ये मैंने इसलिए खोला कि आप यहाँ पे तो देख रहे हैं लॉक लगा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें प्रोपोर्शनली चलेंगी। तो ये टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन कह सकते हैं, उसको कहेंगे इनसाइड मार्जिन, क्योंकि हमारी बुक सेंटर से बाइंड होती है, सेंटर से पिन होती है, सेंटर से फोल्ड होती है। तो ये हमारा इनसाइड मार्जिन होता है, और ये आउटसाइड है, और ये बॉटम है। बॉटम पे देखिए एक चीज़, बॉटम पे बहुत कॉल करना चीज़ होती है कि आप बॉटम पे आपको नोट करना है, और टॉप पे हमारा टाइटल होता है। जब हम चैप्टर हेड स्टार्ट करते हैं, कोई भी बुक बनाते हैं, तो एक टाइटल होता है। तो जो हमारा फ्रंट पेज होता है, पहला पेज होता है जहाँ टाइटल लगा होता है, वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा रख सकते हैं। और डिपेंड करता है कि हम लेआउट हमें अच्छा दिखाना होता है, तो हम यहाँ पे कितना ज़्यादा एरिया यूज़ करेंगे और कहाँ से हम टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब कंटिन्यू चलता है, नेक्स्ट पेज खोल दिया जहाँ पर हमारा टेक्स्ट कंटिन्यू आ गया, तो हम जो हमने मार्जिन रखा होता है, हम हर पेज का मार्जिन वही लेकर चलते हैं। और बॉटम में मैंने आपको एक चीज़ कही है कि बॉटम भी एक चीज़ नोट करने की होती है। क्या दोस्तों का आप रिकॉल कुछ गैस कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या बताना होता है कि हमारे बॉटम पे, हमारा यहाँ पे इस एरिए पे या इस एरिए पे, या मतलब इनसाइड तो नहीं रखते हम, सेंटर रख सकते हैं, याद रखते हैं, पेजिनेशन होती है। पेजिनेशन समझ रहे हैं आप, पेज के नंबर्स 1, 3, 2, 5, 7 जो भी जो पेज हमारा चल रहा होता है 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूशन में हम यहाँ यूज करते हैं। अब हम अगर यहाँ यूज करते हैं तो हमारे पास गैप देखिए क्या होता है, 36 पीटी। इस गैप के अंदर हमें पेज नंबर डालना है, किताब हमारी हल्की सी ऊपर नीचे कटिंग गई तो हमारा पेज नंबर गया। तो हम क्या करते हैं, इसको लॉक तोड़ते हैं। पहली चीज़ तो लॉक तोड़ने के बाद बॉटम पे हमेशा 4 या 5 पीटी का हम गैप ज़्यादा रखते हैं। हम इसे 40 रखेंगे या 41 रखेंगे, 42 रखेंगे, जो भी रखना होगा यहाँ बढ़ा कर रखते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्रीव्यू करते ही ये देखिए ये हिस्सा हमारा ऊपर चला जाता है, कि अब हम जो टेक्स्ट फ्रेम हमारा चलता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, न कि नीचे लाइन जो जा रही है वहाँ से स्टार्ट होगा। ये चीज़ें दोस्तों बहुत गौर करने वाली चीज़ें, जब आप लेआउट डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको नीचे वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रख के चलें, ताकि आपका पेजिनेशन कटने में ना आए। ओके दोस्तों, ओके करते हैं हम यहाँ पे आपका, ये हमारा मार्जिन यहाँ सेट हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे एक लाइन और शो कर रहा है। ये हमारा जो आप यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ हमने अभी देखी है, ये हमें लाइन ड्रा कर रखी है, कुछ और नहीं है, सॉरी मार्जिन हम चेंज कर चुके हैं, मैंने लाइन ड्रा कर रखी है। और मार्जिन एंड कॉलम में हमने क्या देखा, अभी 36 को हमने 45 कर दिया है, मान लीजिए लेआउट मार्जिन एंड कॉलम में 36 पीटी, टॉप पीटी, बॉटम पे 45 पीटी, प्रीव्यू दिखा रहा है। ओके, ये हमने इसको लाइन डिलीट कर दिया।
आप ये देख पा रहे हैं कि अभी नीचे वाला बॉटम जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने मैंने बता दी कि मार्जिन्स क्या होता है, कि मार्जिन्स हम कैसे यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे जो अभी देखा आपने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट मार्जिन्स पे हमने कैसे यूज़ करना है मार्जिन्स को। गटर किस क्या होता है, गटर अब देखिए, अब नेक्स्ट हिस्सा आपका था गटर। अब ये कहाँ से आएगा, ये भी दोबारा आपको वही लेआउट मार्जिन एंड कॉलम्स में से ही आएगा। आप ये देखिए, ये रहा कॉलम्स, तो हमने किया नंबर ऑफ कॉलम्स 3। आप देख पा रहे हैं क्या चीज़ है, दिस इज द सेगमेंट जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जो हमारे डिवाइड पेज एंड डिवाइड से होते हैं, कि वो जो चलता है हमारा टेक्स्ट पे हम कंटिन्यूएशन होता है, तो वो एक कॉलम फिर नेक्स्ट कॉलम फिर नेक्स्ट कॉलम, ये आपके कहलाते हैं कॉलम्स। अब इसमें एक चीज़ और आई, ये हिस्सा, इस हिस्से को आप क्या कहेंगे, आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं, ये हिस्सा होता है, हाँ है हमारा गटर, कि दो कॉलम के बीच में कितना गैप हम रखें कि ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, या बहुत ही नीट दिखाई दे। ये आप देखेंगे लेआउट मार्जिन एंड कॉलम्स में गए हम गटर पे। अब जैसे इसको बढ़ाते हैं, आप देख पा रहे हैं, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जितना कम रखेंगे वो उतना, 0 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि टेक्स्ट बस एक साथ फ्लो ही हो सकता है, लेकिन हम आप देख पा रहे हैं कम से कम इतना गैप वो हम, ऐसा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने 10 mm कर दिया, 20 mm कर दिया, 25 mm कर दिया, जहाँ हमको अच्छा दिख रहा है ये डिपेंड करता है, सॉलिड डिपेंड करता है हमारी चॉइस के ऊपर, क्लाइंट की चॉइस के ऊपर, कि हमें किताब को अच्छा दिखाना है। आप इसका कोई रूल नहीं बना सकते, कोई रूल नहीं होता लेआउटिंग का। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ पहले, लेआउटिंग और डिज़ाइन में कोई रूल नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होती, हमें वहाँ रुकना होता है जहाँ चीज़ अच्छी दिख रही है। अच्छी नहीं दिख रही है, हम करते जाएं, 4 दिन लगाएं, 6 दिन लगाएं, हफ्ता लगाएं, कुछ नहीं होता। चाहे वो चीज़ कभी कभार होता है कि 2 घंटे में वो चीज़ बन जाती है, कभी 2 दिन में नहीं बनती है, लेकिन जो चीज़ जहाँ अच्छी दिख रही है हमें वहीं स्टॉप करना होता है, क्लाइंट को वहीं भेजना होता है। हम करने को तो करते रहें, क्या पड़ता है दोस्तों। लेआउटिंग का बेसिक रूल सबसे यही है कि हमें अपने काम को जहाँ अच्छा दिख रहा है हमें उसे वहीं रोक देना है। तो दोस्तों ये हो गया मार्जिन एंड कॉलम्स हो गया। अब न्यू डॉक्यूमेंट, और आपको हमें क्या बताना है न्यू डॉक्यूमेंट पे, हमें कैसे क्या चीज़ करनी होती है। गटर बता दिया मैंने आपको, मार्जिन एंड कॉलम्स हो गया, विथ एंड हाइट हो गया, नंबर ऑफ पेज हो गया, फेसिंग पेज क्या होता है मैंने ये बता दिया, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट फ्रेम यहाँ देंगे बेहतर है कि हम अपना, जब हम टेक्स्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो टेक्स्ट फ्रेम को हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसकी रैपिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं हमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स कैसे सेव करेंगे ये आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। और इस डॉक्यूमेंट में अभी ऐसा और कुछ नहीं बचा जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को, नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, होप करता हूँ कि न्यू डॉक्यूमेंट्स के सारी सेटिंग्स, सारे प्राइम जो फीचर्स हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यही एक अप्रिशिएशन है जिसको जो मुझे अप्रिशिएट करेगी कि मैं आगे और अच्छे तरीके से आपको इन डिज़ाइन के बारे में, इसके सारे फीचर्स के बारे में, और जो मैं करता हूँ, मैं इन डिज़ाइन काम में करीबन 3 साल से 4 साल से कर रहा हूँ, जो मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ साझा करूँ, बिल्कुल शेयर करूँ। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और एक बार और रिक्वेस्ट, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।